सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में, जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीटी 2023 की परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इन 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड की जो तैयारी है काफ़ी हद तक अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपके 2000 से 2001, बी है 2000 से 2004, सी है 2004 से 2005, डी है 2014 से 2015। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वर्ष 2000 से 2001 के बीच में की गई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों की रिवीजन की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ऑप्शन है आपके अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, बी है 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, सी है 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, डी है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ऑप्शन है आपके जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, सी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, डी ये सभी। अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ऑप्शन है आपके जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, सी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, डी है ये सभी। अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है कि विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन है देख लेते हैं, छात्रों की शिक्षा में रुचि ना होना गलत हो जाएगा, छात्रों को दंड ना देना ये भी गलत हो जाएगा, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है आपके छात्रों की अभिरुचि, बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों की क्षमता गलत हो जाएगा, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, छात्रों की अभिरुचि। छठा क्वेश्चन देखेगा, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, सही हो जाएगा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे गलत हो जाएगा, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें ये भी गलत हो जाएगा, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें ये भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे
विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, गलत हो जाएगा। विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। देखिए ये आप लोगों की रिवीजन क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें इस क्लास के साथ में। आठवां क्वेश्चन, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर ना होने का कारण है। जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण ना मिलना, गलत हो जाएगा। अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। नवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। नवा क्वेश्चन है कि किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। आदर्शवादी शिक्षण, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक शिक्षण, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्न भिन्न पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आदर्शवादी शिक्षण। सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा, गलत हो जाएगा। एकीकृत शिक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। अपवर्जक शिक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, गलत हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदार, ये भी गलत हो जाएगा। परिवार और आस पड़ोस, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ववत रखा है, गलत हो जाएगा। घटा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। निभाना आसान कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़ा दिया है। तेरहवां क्वेश्चन देखेगा, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। उसका पहनावा, गलत हो जाएगा। उसकी विद्वत्ता, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका पूरा व्यक्तित्व, ये गलत हो जाएगा। और उसकी बोली, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, उसकी विद्वत्ता। चौदहवां क्वेश्चन देखेगा, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन है देख लेते हैं, यह भी एक शिक्षा है, गलत हो जाएगा। उनमें सद्गुणों के प्रति और सजगता बढ़ेगी, गलत हो जाएगा। माता पिता प्रसन्न होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। पंद्रहवां क्वेश्चन देखिएगा, समावेशन का अर्थ क्या है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, गलत हो जाएगा। सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। 21 मई को परीक्षा आप लोगों की आयोजित की जाएगी, तैयारी अच्छे से कीजिए और रिवीजन पर विशेष फोकस करिए। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, पिछले साल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस बार पिछले साल के मुकाबले इस बार बच्चे कम होंगे, तो कॉम्पिटिशन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। लेकिन 450 प्लस नंबर टारगेट मानकर चलना है इस बार, 450 प्लस नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे इस बार, तभी आपको पास का कॉलेज मिलेगा।
अगर अगर आपके 350 नंबर आते हैं, 360 नंबर आते हैं या 340 नंबर आते हैं तो आपको दूर कॉलेज मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को कॉलेज जो है पास में मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, बिल्कुल सही हो जाएगा। वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, गलत हो जाएगा। वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए और सी दोनों। 17वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, गलत हो जाएगा। अध्यापकों से अच्छे संबंध, ये भी गलत हो जाएगा। मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, बिल्कुल सही हो जाएगा। कड़ा व्यवहार, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। 18वां क्वेश्चन है गाइस कि शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, गलत हो जाएगा। शिक्षकों को नौकरी देने हो तो ये भी गलत हो जाएगा। लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। 19वां क्वेश्चन है गाइस, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तित्व अंतर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल अधिकार, गलत हो जाएगा। बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, ये भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, व्यक्तित्व अंतर। 20वां क्वेश्चन है गाइस कि आप कक्षा में पढ़ा रही हैं उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगी? तुरंत उनके पास चल देंगी, बिल्कुल नहीं। कैसे चल देंगे, क्योंकि आप क्लास में पढ़ा रही हैं, तुरंत आप कैसे चल देंगे बच्चों को छोड़कर, गलत हो जाएगा। घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों घंटा समाप्ति के बाद जाएंगी, तब तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर स्कूल का पीओन आया आपके पास और आपसे ये कहा कि आपको प्रधानाचार्य बुला रहे हैं, आचार्य बुला रहे हैं, आपको चलना होगा, तो आपको ये काम करना कि एक स्लिप पर अपनी परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, इससे प्रधानाचार्य को पता चल जाएगा, स्पष्ट मना कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां क्वेश्चन, पौन शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि पौड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पौड़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पौड़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षित पौड़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पौड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन है गाइस कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षक वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। देखिए ये गलत हो गया, थोड़ा सा टाइप करने मिस्टेक हो गया है। शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। चूज कीजिए आंसर आप लोग। विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। विषय का अच्छा ज्ञाता हो, ये भी सही हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 23वां क्वेश्चन, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, गलत हो जाएगा। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा।
ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, छात्रों को इसका प्रतिक्षण देंगे। 24वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के समूह का कार्य करेंगे, गलत हो जाएगा। मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। सुगत 25वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, विज्ञान पढ़ाने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोग के लाभ बताकर, गलत हो जाएगा। उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह समय को नष्ट करता है। समय को नष्ट करना है, सही हो जाएगा। कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, गलत हो जाएगा। संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, समय को नष्ट करना है। 27वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा से चला जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पल को रुचिकर बनाए, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण विधि बदल दे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करे, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, शिक्षण विधि बदल दे। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 28वां क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, गलत हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अच्छी शिक्षण व्यवस्था। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, सही हो जाएगा। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी कराते रहें, गलत हो जाएगा। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। 30 क्वेश्चन देखेगा क्या है, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं तो आप उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, सही हो जाएगा। उन्हें सहानुभूति देकर उनसे रखेंगे, गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, 31, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, गलत हो जाएगा। वैतृक दृष्टिकोण से, ये भी गलत हो जाएगा। मानवीय धारणा से, ये भी गलत हो जाएगा। नैतिक धारणा से, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नैतिक धारणा से। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, कि छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, गलत हो जाएगा। मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। सो गाइस, 33वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, गलत हो जाएगा।
विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे तो सही हो जाएगा। जो बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना, गलत हो जाएगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है 35वां क्वेश्चन है कि बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, सही हो जाएगा। कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित, गलत हो जाएगा। कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, ये भी गलत हो जाएगा। कहानी विषय को रोचक बनाती है, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ये ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने PTET 2023 की परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की जो रिवीजन की क्लासें वो स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली आपको हमारे द्वारा दो क्लासें मिलेंगी, दोनों क्लासों को आप लोगों को ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। 21 मई को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। थोड़ा दिन बचा हुआ है, कुछ दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास, गिने चुने। अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।